की सबसे बड़ी पंचायत में लोक कल्याण से संबंधित मुद्दों पर होने वाली चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आपका स्वागत है। चेक बाउंस के मामलों पर अंकुश लगाने, पीड़ितों को जल्द न्याय देने, चेक की विश्वसनीयता और साख को बढ़ाने के साथ कारोबारी सुगमता के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक 2018 राज्यसभा में पास कर दिया गया। संशोधन से चेक बाउंस के मामलों में दोषी को जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। संशोधन से अदालत सुनवाई के दौरान चेक में दर्ज राशि का 20% अंतरिम मुआवजा के रूप में जमा करने का आदेश देने का अदालत को अधिकार दिया गया है। इतना ही नहीं, चेक बाउंस होने पर अंतरिम जुर्माना और 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं सदन में हुई चर्चा के महत्वपूर्ण अंश। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल, श्री शिव प्रताप शुक्ला। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा पारित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल आप लोग जल्दी करिए, एक दो दिन में। महोदय, अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए समय समय पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में अनेक संशोधन किए गए हैं, फिर भी चेक अनादर के लंबित मामलों के परिणाम स्वरूप चेक प्राप्तकर्ता को जो के साथ जो अन्याय होता है, उस अन्याय के समाधान के लिए सरकार को लोगों के तथा व्यापारी वर्ग के रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होते रहे। प्रस्तुत विधेयक को सदन में इसलिए लाया गया है कि जिससे चेक के प्राप्तकर्ता को कठिनाइयों से न गुजरना पड़े तथा जल्दी से जल्दी चेक द्वारा जो उसकी रकम है वह उसको प्राप्त हो सके, उसकी विश्वसनीयता चेक की कायम रहे, इस नाते इसको लाए हैं। माननीय, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में एक नई धारा 143A का समावेश किया गया है, जिससे धारा 138 के अंतर्गत अपराध की जो सुनवाई करने वाले न्यायालयों को जो जारी चेककर्ता को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है, वे शिकायतकर्ता के चेक की राशि को जो भी रहती है उसका 20% अंतरिम भुगतान उसका किया जा सके। मान्यवर, चेक जारी करता को आदेश की तारीख के 60 दिन के अंदर अंतरिम मुआवजे का भुगतान हो, जिसे 30 दिन तक और अधिक बढ़ाया जा सकता, उससे अधिक लंबित नहीं किया जा सकता है। यदि चेक जारी करता को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो अदालत शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे के रूप में दी गई भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार RBI के द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष में आरंभ में प्रचलित बैंक दर पर ब्याज सहित देने का निर्देश देती है। माननीय, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में एक नई धारा 148 को समावेशन किया गया था। इसके अंतर्गत अपीली न्यायालयों को अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित दंड अथवा मुआवजे का कम से कम 20% राशि जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह राशि 143 के तहत भुगतान किए गए किसी भी अंतरिम मुआवजे के अतिरिक्त होगी। चेक जारी करता को, जो मैंने पूर्व में कहा 60 दिन और उसके बाद 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है, उसी के अनुसार उसका समाधान होगा। प्रस्तुत विधेयक में चेक जारी करता को राहत प्रदान करना, चेक के अस्वीकृत होने संबंधी मामलों में नितांत विलंब की समस्या के समाधान के लिए इस विधेयक को लागू होने के आवश्यक विवादों से निपटा जाए तथा समय और धन का पर्याप्त बचत हो, इससे चेक की विश्वसनीयता बढ़े, मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को समर्थन देते हुए पारित करने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद। मोशन मूड, श्री मधुसूदन जी मिस्त्री। Yeah, sir. Thank you very much, sir. At the outset, I welcome the bill and my party support this bill. The passing of this amendment especially will help the trading community and especially those who are involved in the trade and business and sold their goods and services to the third party. Besides that, sir, it will also check to some extent the fraudulent persons who tried to buy time by issuing the check in which
either they don't have enough or sufficient amount in their account, or they have tried to cheat the trader or a first party, sir. So the amendment gives more power to the court. Where the cheque is being issued, an amount not paid, either by because there is not a sufficient amount in the bank or in his account, or the instruction is given by the person to the bank to stop the payment. In that case, the first party or a payee to whom the drawer has made a cheque on his or her name, it can approach the court and court can pass an order. एक अच्छी चीज इसमें ये है सर कि जब ड्रॉई चेक देता है पे को और अगर जो वो पैसा उसको है तो किसी भी कारण से रोक दिया जाता है या बैंक में से चेक बाउंस होता है और अगर पे कोर्ट के अंदर जाता है तो सबसे पहले ड्रॉअर को उसमें 20% पैसा है तो जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद के अंदर जो भी निर्णय होगा वो निर्णय के अंदर अगर जो कोर्ट ऑर्डर करती है पैसे देने का तो 60 दिन के अंदर उसको वो बाकी पैसा जमाना होगा और उस 30 दिन का और भी मुद्दत उसको है तो मिलेगी अगर जो ड्रॉअर संतोष नहीं है उस ऑर्डर से और वो अपील में जाता है तो और 20% एडिशनल अमाउंट उसको है तो जमा कराना पड़ेगा और जहाँ तक ऑर्डर आए वहाँ तक फाइनल ऑर्डर ना आए वहाँ तक है तो वो पैसा वहाँ रहेगा और फाइनल ऑर्डर आने पे पूरा अमाउंट उसको जमा कराना पड़ेगा लेकिन इन केस के जो ड्रॉई के फेवर के अंदर अगर जो डिसीजन देती है कोर्ट तो जिसको कंप्लेंट जिसने की है उसको वो पैसा ब्याज के साथ के अंदर है तो उसी समय मर्यादा के अंदर उसको वापस देना पड़ेगा सर अमेंडमेंट से एक कर्व लाने की इसके अंदर कोशिश की है सरकार ने खास करके जो चेक लोग देते हैं किसी को संतोष करने के लिए या कहने के लिए कि मेरे पास में पैसा है मैं चेक देता हूं लेकिन वो चेक बाउंस होता है तो एक तो इस पूरी सिस्टम से चेक के ऊपर और उस पर एक विश्वास बढ़ेगा थोड़ा चेक आएगा इन लोगों के ऊपर जो ऐसे चेक या प्रॉमिसरी नोट वगैरह जो देते हैं लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि इससे क्या वाकई के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये जो केसेस है उसको रोक सकेंगे क्या क्योंकि आज भी जब मैं कल रात को पढ़ रहा था तो पता चला था इसके अंदर लाखों केस अभी इस कोर्ट के अंदर पेंडिंग और उसको डील करना बड़ा मुश्किल वाला काम है और इस वजह से ये है तो लाया बिल अमेंडमेंट लाया गया है और इसकी वजह से ही चेक के अंदर विश्वास लोगों के अंदर पैदा हो वो भी इसके पीछे का प्रयत्न है लेकिन इसमें जो प्रावधान किए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको थोड़ी पेनल्टी देना है दो साल की सजा देना ये सब इसके अंदर प्रावधान है और मेरे ख्याल से ये प्रावधान पूरे नहीं है या तो डिटरेंट इतने नहीं है कि जिससे ऐसे फ्रॉडलेंट पर्सन को रोका जा सके या उनको है तो उसको चेक में चेक किया जाए मेरी है तो मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि ऐसा भी कुछ सोचिए कि जिससे ये पूरा है तो जो खास करके बिजनेस की बात करूँगा ये पूरा जो बिजनेस चलता है तो चेक बाउंस करवाने का और उसके अंदर से पेमेंट डिले करवाने का उसके ऊपर एक बड़ी चेक आए लिटिगेशन भी कम हो ऐसे कुछ जरा स्ट्रिंजेंट है चीज़ें उसमें प्रावधान होना चाहिए दूसरा इससे एक सवाल और भी ये पैदा होता है कि बहुत से जगह पर प्राइवेट लैंडिंग चलती है प्राइवेट लैंडिंग वाले लोगों ने अपनी जात को कुछ में रजिस्टर नहीं किया होता क्योंकि मनी लैंडिंग एक्ट के अंदर वो लोग रजिस्टर नहीं होते या रजिस्टर अपने आप को करवाते नहीं है तो इसलिए मनी लैंडिंग एक्ट के अंदर रिजर्वेशन सॉरी जो रजिस्टर नहीं करवाते वो लोग अगर जो किसी दूसरे को पैसा देते हैं तो उसके ऊपर हर महीने 1.5% या 2% उसका ब्याज लेते हैं और वो प्रिंसिपल अमाउंट पूरा आ जाए और जब वो ऐसे अमाउंट जो सॉरी ऐसे आदमी जो लैंड करते हैं वो पैसे देने से पहले उनके पास से है तो कोरा चेक सिग्नेचर वाला उनके पास से ले लेते हैं और इस दरमियान के अंदर जब पैसा उनको है तो दिया जाता है उधार और अनरजिस्टर है वो तो वो पैसे के पर ब्याज लिया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट भी लिया जाता है उसके बाद में कई किस्सों के अंदर जो चेक कोरा उनको दिया गया था सिग्नेचर वाला वो वापस है तो उसके अंदर तो अमाउंट के लिए बैंक के अंदर वो लोग डिपॉजिट करवाते हैं
और वो पैसा भी वापस इसमें से लेते हैं। ये पूरे जो चीज़ है उसको कैसे रोका जाए, एक बहुत बड़ा सवाल है इसके अंदर, क्योंकि इसका परसेंटेज कितनी जगह 20%, 25% साल का और 36% ब्याज, ऐसे ऐसे इंसिडेंस आए हैं कि 100 रुपये के ऊपर 10 रुपया हर महीने ब्याज देना पड़ता है। ये ऐसी प्राइवेट लैंडिंग व्यवस्था सभी जगह के ऊपर बाय एंड लार्ज है तो चल रही है। इसमें से बैंक बैंक और मिनिस्ट्री इस इश्यू के ऊपर, जो लोग चेक बिल्कुल ऐसा फ्रॉडलेंट चेक देते हैं या तो चेक बाउंस होते हैं, तो बाउंस होने की प्रक्रिया को किस तरह आप रोकेंगे, दैट इज़ द मेजर रीज़न। यू नो आई डोंट थिंक दैट दिस विज सच ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिटरेंट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इश्यूइंग द चेक विच आर बाउंड टू बी बाउंस सिंपली बिकॉज दे डोंट हैव इनफ यू नो मनी इन देयर ओन अकाउंट और दे वॉन्टेड टू बाय द टाइम यू नो एज ए रिजल्ट टू पे टू द पेई एट द लेटर स्टेज। वैसे ये आप जो संशोधन लेके आए बहुत अच्छा है। जो व्यापारी लोग दूसरे जगह पे धंधा करते, खास करके दूसरे स्टेट के अंदर, और वहाँ से जो चेक आते हैं वो चेक बाउंस ना हो और उसको पैसा समय से मिल जाए, ऐसी आपकी मंशा है, हमारा उसको है तो उसमें पूरा सपोर्ट है। आप लेके आए, हम उसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू महेश पुदार। महोदय, हम सभी जानते हैं कि बिना चेक के कोई भी व्यावसायिक गतिविधि हमारे यहाँ संभव नहीं है। हमारे सरकार देश में कैशलेस इकोनॉमी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही साथ बिना चेक के हम कैशलेस इकोनॉमी की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक कैशलेस इकोनॉमी की बात आती है तो चेक और प्लास्टिक मनी, इसे दो चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं। 17-18 के बजट भाषण पर माननीय जेटली जी ने कही बात याद आती है कि डिजिटल इकोनॉमी में डिसऑनर चेक के भुगतान को सुनिश्चित करना आवश्यक है, और इसी दिशा में यह संशोधन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2017 का लाया गया है। महोदय, अगस्त 2017 में वाणिज्यिक लेन देन को यदि उदाहरण माने तो एक महीने की अवधि में करीब 6,00,000 करोड़ के लेन देन चेक के माध्यम होते थे। वार्षिक करीब करीब 74 करोड़ रुपये का लेन देन होता था। महोदय, वादा पत्र हो या हुंडी या चेक, वित्तीय विनिमय की सभी प्रणालियों में एक चीज़ जो कॉमन है वह है भरोसा। यदि लेन देन की पूरी चेन में से किसी भी कड़ी में आकर ये भरोसा टूट जाए तो पूरी प्रणाली ही प्रश्नों के घेरे में आ जाती है, और ऐसे ही दृष्टांत बड़ी मात्रा में सामने आए हैं जहां हम इसकी वजह से आज इस विधेयक की चर्चा करनी पड़ रही है। NI एक्ट तो 1881 से चल रहा था जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, लेकिन चेक बाउंसिंग की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि आज करीब करीब 60,00,000 चेक, जो करीब करीब कुल मुकदमों का 20% है, सिर्फ चेक बाउंसिंग के केसेस कोर्ट के सामने हैं। और व्यापार जगत में ये जब सेक्शन 138 का कानून जब आया था चेक बाउंसिंग का, तो बहुत स्वागत हुआ था, कुछ डिसिप्लिन आया था, लेकिन लोगों ने तरह तरह के तरीके निकाल के, कानून तरीके निकाल करके इस सेक्शन को भी एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया था, और संख्या बढ़ती गई। अब समय आ गया है जब इसे हमें चेक करना है, और इसके लिए हमें कुछ नए उपाय करने पड़ेंगे। महोदय, जब सरकार ने लघु मध्यम उद्योगों के भुगतान के लिए एक एक्ट बनाया था जिसमें कि जो भुगतान में बड़े लोग विलंब करते थे उन्हें एक निश्चित राशि 75% डिपॉजिट करनी पड़ती थी, उसकी वजह से बहुत सारे भुगतान जो छोटे उद्योग के लंबित होते थे वो आने शुरू हो गए। उसी से मैं समझता हूँ शायद प्रेरणा पा करके इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि जब कोई चेक का केस करता है तो उसे 20% तक राशि कम से कम जमा करनी पड़ेगी, वो भी 60 दिन और 30 दिन का ग्रेस पीरियड, टोटल 90 दिन के अंदर। और एक प्रश्न मेरे दिमाग में भी उठा था कि यदि डिफॉल्टर जो है वो 90 दिन में नहीं करता है तो क्या होगा, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इसमें इस चीज़ को भी ध्यान रखा गया है, और सेक्शन 421 के तहत जिस फाइन के लिए जो जुर्माना वसूलने की जो पद्धति है उस पद्धति का प्रावधान किया गया है सेक्शन 143A में जो संशोधन हो रहा है उसमें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके
कि 90 दिन के अंदर अंदर ये रकम जरूर उसके यहाँ वापस चली जाएगी। महोदय, हम सब जानते हैं कि चेक बाउंसिंग के केस में जब चेक जाता है तो लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि चलो ये 10-20 साल तक तो निकल जाएगा, तब तक पता नहीं चेक मुकदमा करने वाला थक जाएगा और मजबूर किया जाता है कि कमती बेसी में 10-20% दे करके सेटलमेंट करने का। लेकिन 20% जब देने का प्रावधान हो जाएगा तो मैं समझता हूँ जो व्यक्ति 20% देगा और आगे इंटरेस्ट और दूसरी चीज़ों के और सजा के भय से हो सकता है कि वो उसको सेटल करना चाहेगा और लिटिगेशन को बढ़ाना नहीं चाहेगा। और एक दूसरा प्रावधान और है कि हम सब जानते हैं कानून की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है और यदि पहली प्रक्रिया में वो हार जाता है तो वो अपील में जाता है और पहले अपील में जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, वो वकील को कुछ पैसा दे करके वो सीधा अपील में चला जाता था। अब ये प्रावधान किया गया है कि यदि वो अपील में जाता है तो उसे 20% और देना पड़ेगा, यानी कि कुल करीब करीब 40% देना होगा तब उसकी अपील सुनी जाएगी और उसके बाद में हो सकता है कि वो सेकेंड स्टेज में जाने के पहले फिर सोचे कि मैं मुझे अपील में जाना है या नहीं जाना है, हो सकता है कि वो सेटल कर ले। लेकिन यहाँ पे ये भी एक अच्छी बात है इस प्रावधान में, यहाँ प्रावधान किया गया है कि यदि वो जीत जाता है तो उसने जो डिपॉजिट किया उसके पैसे का क्या होगा। महोदय, तो ये अच्छे प्रावधान किए गए कि 20% जो उसने जमा किया या 40% जो जमा किया वो पैसा उसको वापस मिलेगा बैंक के इंटरेस्ट रेट के साथ में। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये एक संशोधन होने के बाद में भारतीय वित्तीय जगत में जो लाखों मुकदमे जो पड़े हुए हैं उनमें कमी आएगी, नए मुकदमे कम होंगे और जो आवश्यक है डिजिटल लेन देन के लिए कि चेकों का, इंस्ट्रूमेंट्स का, हुंडियों का, इन सारी चीज़ों में विश्वास का जमना तो और दुरुपयोग का रुकना, तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे और मैं इस बिल का फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक 2018 पर जारी है संसद संवाद। कैपिटल ए इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रिसम्प्शन ऑफ इनोसेंस। द अक्यूज्ड इज प्रिसम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। सो now the burden is also only on the complainant or the prosecution to prove that the accused is committed the offense. So I humbly feel that provision 143 capital A, which contemplates the payment of 20%, is not good, is not, it may not be sustainable. मैं सिगरेट तो नहीं पीता मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। एक अटूट बंधन, एक अटूट सिलसिला, 300वां पड़ाव। हमारे खानदान का एक शख्स था जो रिक्शा चलाता था और जो नवाब साहब कहलाता था, तो कहीं मेरे वालिद को बेहद फिक्र थी कहीं ये रिक्शा तो नहीं चलाएगा सरदने में किसी दिन। पढ़ता है नहीं। दिन भर क्रिकेट खेलता रहता है, जब देखो भाग के पिक्चर देखने चला जाता है। देखते रहिए बेहद खास प्रोग्राम गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नए कानून के तहत चेक बाउंस से संबंधित मामलों का निपटान 60 दिनों के अंदर करने का प्रावधान किया गया है। विशेष परिस्थितियों में ट्रायल 30 दिन बढ़ाने की भी व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक 2018 पर सदन में हुई चर्चा का बाकी अंश। श्री संजय सेठ जी। उपसभापति अध्यक्ष जी, सदन में पेश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2018 एक आम आदमी और व्यापारी की समस्या के हल ढूंढने की अधूरी कोशिश है।
आज जो व्यापार की स्थिति है देश की, उससे सब लोग जानते हैं कि पूरा व्यापार चौपट हो गया है। सरकार की गलत नीतियों से, चाहे वो GST हो, चाहे नोटबंदी हो, सारा व्यापार चौपट है। और उसके ऊपर अगर किसी को कोई चेक मिलती है और वो बाउंस हो जाती है, तो वो उसके लिए एक सोने में सुहागा है। तो इस वक्त किसी को चेक मिलती है तो वो उसको अपने इस चीज़ का विश्वास नहीं होता कि वो उस चेक से पैसा पाएगा, जब तक कि वो बैंक में उसका पैसा ना आ जाए। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा दी गई किसानों को चेकें डिसऑनर हो रही हैं, तो आम आदमी का क्या होगा ये देखना पड़ेगा। इस बिल में कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिससे एक आम आदमी को चेक के लेन देन में पूरा विश्वास हो सके। इसमें केवल 20% मुआवजे के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन इस इंटरिम मुआवजे को मिलने के बाद भी उसको अपने आप को इनोसेंट फील प्लीट करना पड़ेगा कोर्ट में जाके, तब उसको मुआवजा मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि वो आरोपी जिसने ये चेक इशू की है, अगर वही कोर्ट में नहीं आता है तो उसको मुआवजा देगा कौन? तो ये भी एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। 2000 से लेके 2018 तक इसमें 3 अमेंडमेंट आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से कारगर नहीं हो पाया है। इसमें एक अमेंडमेंट आप इस बार फिर ला रहे हैं। इसमें एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। आज देश में करीबन 38 लाख केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, और जिसमें से भारत के सभी आपराधिक मामलों में 20% मामले जो हैं वो चेक डिसऑनर के हैं। 2008 में लॉ कमीशन ने अपने 213th रिपोर्ट में फास्ट ट्रैक मजिस्ट्रियल कोर्ट ऑफ डिसऑनर चेक केसेस की स्थापना करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक सरकार ने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008 में एक अपील सुनते हुए ये टिप्पणी करी थी कि चेक बाउंसिंग के केस में शीघ्र विचारण अभियोगी का मौलिक अधिकार है। लॉ कमीशन की सुझाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए और टाइम बाउंड तरीके से इसका निस्तारण कराना चाहिए। जो कोर्ट है उसमें जो अभी मुकदमे चल रहे हैं, क्या ये अमेंडमेंट उन मुकदमों पे भी लागू होगा, ये भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। चूँकि आज की हालत जुडिशरी की जो है उसमें इतने ज़्यादा पेंडेंसी वैसे ही है, और जुडिशरी के अंदर जजेस की इतनी कमी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट के केसेस इतनी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो इसके लिए कोई एक कानून या फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको तुरंत बनानी पड़ेगी इसके लिए, और जिसमें ये सारे केसेस डाल के इसको जल्दी से जल्दी निस्तारण करें, जिससे जनता का विश्वास इन चेक्स के लेन देन पे हो सके। दूसरा क्या है कि कुछ बेमान किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसीलिए चेक देते हैं, चाहे वो लोन्स के अगेंस्ट में लोग चेक इशू कर देते हैं, और वो चेक लेके आदमी बैंक में जब डालता है वो डिसऑनर हो जाती है। तो अब उसका क्या है, वो वकील करे, उसका खर्चा दे, और उसको 5-5, 6-6 साल उसको लग जाता है अपने मुकदमे को पैरवी करने में। तो जितने पैसे की चेक उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है। तो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको एक सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। जैसे UAE और जो बाकी विदेशों में कोई भी चेक इशू करने से पहले उसको 2-4 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैंने चेक इशू की तो वो चेक ऑनर होनी चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ भारतवर्ष में भी इसी तरीके से ये एक आम आदमी को विश्वास दिलाना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें एक चीज और थी कि वित्त मंत्री ने पिछली बार बजट में ये कहा था कि डिजिटल लेन देन के बढ़ावा होना चाहिए। अब आप बैंक के अंदर जब आप कोई निफ्ट से, RTGS से, बैंक ड्राफ्ट से
पैसा देते हैं तो उसके पर चार्जेस लगता है, इसी वजह से कोई आदमी उसको नहीं करके चेक दे देता है कि भाई वो खर्चा बच जाए। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि वो सारे चार्जेस उसमें से हटाएं, जिससे आदमी चेक की बजाय बैंक ड्राफ्ट दे दे, उसका निफ्ट से या आरटीजीएस से पेमेंट कर दे, तो जो इमीडिएट पेमेंट भी हो जाएगा और उसको पूरा पैसा उसके बैंक के खाते में पहुंच जाए। श्री ए नवनीत कृष्णन जी। थैंक यू मैडम। दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 ब्रिंग्स टू न्यू प्रोविजंस टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। द वन इज 143 कैपिटल ए, another one is 148. These are the new provisions by which if before the trial court, if the accused is not admitting the guilty, then he is liable to make payment of 20% of the cheque amount, and like that. After conviction, if the convicted person wants to prefer the appeal, 20% of the fine or compensation is to be paid to the complainant. My humble submission would be the first provision 143 capital A is against the principle of presumption of innocence. The accused is presumed to be innocent until he is proved guilty. So now the burden is also only on the complainant or the prosecution to prove that the accused is committed the offence. So I humbly feel that provision 143 capital A, which contemplates the payment of 20%. Is not good, it may not be sustainable. And with regard to the second provision, 148, the 20% of the fine or the compensation used to be deposited at the time of preferring the appeal. I think this is also not sustainable according to me, because the appeal is continuation of the trial proceedings. Of course, the principle of presumption of innocence may not be available to the convicted person, but the discretion given to the court to admit the appeal, even without making the payment of fine amount, that discretion has been taken away from the courts. Anyhow, the government has moved this bill with good intention to expedite the transactions taking place through cheques. So I welcome this bill. Thank you. Shri Manish Gupta ji. I don't think that this bill will have any great impact on the present situation, except as a step towards further improving and taking care of the problems. A question has been raised as to how the government arrived at this 20%. 20% is a very arbitrary figure and is a very cautious approach. What we need here is a bold approach. And 20%, I don't think, will have the desired effect. A much higher amount, like 30 or 40%, would have been great with a decent incentive to people who issue cheques which bounce in the banks. I think that in this particular issue, the role of banks is important. The RBI as a central bank has a very important role to play, although they are not directly involved in the court processes. The Reserve Bank promulgates banking regulations. The banks charge rupees 300 for every
representation of any bounce check. So there's a rate fixed. But the Reserve Bank needs to get more involved with this process. They have recently issued said new guidelines. These guidelines are unimaginative. The same guidelines have been recommended for many sectors across the board, but each sector in the economy has their own problems, just as the bounce check problem. So therefore, this situation needs to be looked at more closely. Even application of Section 421 of the CRPC, that's a very slow process of recovery of dues where fines have been imposed by the courts. 357 is also there of the CRPC. So all this will come into play when this act is applied. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक 2018 में चेक बाउंस के मामलों में स्पीडी ट्रायल के साथ शिकायतकर्ता को अंतरिम राहत का भी प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक पर चर्चा कार्यक्रम के अगले अंक में भी जारी रहेगी। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर पैसा नहीं रहते हुए भी वो चेक इशू करता है जो बाउंस करता है पूरी तरह से एक जो है क्रिमिनल एक्ट, तो इसको और भी ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे लोगों में खौफ डिटरेंस होना चाहिए। अभी जो है ये अवेलेबल है, मैं समझता हूँ कि आगे चल करके इस पर और विचार करना चाहिए और इसको नॉन अवेलेबल बनाना चाहिए।